मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। 5 लाख तक के इलाज के लिए सभी जगह आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सभी जगह बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा 10,000 स्वास्थ्य सेंटर हैं जिन्हें हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कहा कि 10,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। यहां दवाइयों की सुविधा बढ़ाई है, CHO की सुविधा दी है, जांचों की सुविधा बढ़ाई गई है। इसके बाद भी अगर कुछ जांच की जरूरत होगी तो जांच सैंपल लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी झाबुआ स्वास्थ्य केंद्र से बात हुई है। स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 20 मरीज आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि टाटा की संस्था मध्य प्रदेश स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ाने में सहयोग करेगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी आप देख रहे हो कि आयुष्मान कार्ड भी हम लोग 5 लाख तक के इलाज के लिए सभी जगह पर बना रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों को हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्र है, उनको हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उनको बनाया है। वहाँ दवाइयों की सुविधा भी बढ़ाई है, CHO हम लोगों ने वहाँ पर पोस्ट किए हैं और वहाँ पर जांचों की सुविधा भी बढ़ाई है। और उप स्वास्थ्य केंद्र अभी मैं आज झाबुआ जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल से अभी बात करके ही मैं आ रहा हूँ। वहाँ बात मैंने CHO से वहाँ बात की, उन्होंने बताया कि लगभग 20 पेशेंट डेली उप स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे हैं और वहाँ पर आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन वहाँ पर लग रहे हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जांचें वहाँ पर हैं और अगर और जांचों की आवश्यकता होती है तो वहाँ से सैंपल लेके जो हमारा जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो हवेन स्पोक के अंतर्गत वहाँ से भी हम लोग जांच कराते हैं। और आज जो टाटा की संस्था है जो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के 23 जिलों में 500 उप स्वास्थ्य केंद्र को और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वो सहयोग करेंगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।